पंजाब गंदा मार्केट जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार हो रही है। चंद रोज कबल इस मार्केट में से कीमतें इंतहाई नीचे की तरफ जा रही थी और गंदम की कीमत जो थी 2500 से लेकर 2600 फी मन तक आ गई थी, लेकिन अब जो है जिम्मेदारों और बड़े जखीरा अंदोजों ने जो है यौमिया फरोख्त कम कर दी है, जिसके सबब गंदम की कीमत जो है बढ़ना शुरू हो चुकी है। अगर मार्केट को 400 गाड़ियों की जरूरत है यौमिया, तो 200 गाड़ियां जो है व्यापारी फरोख्त कर रहा है। इसकी वजह से आज जो लाहौर में गंदम की कीमत है वो 2900 रुपए से लेकर 2950 रुपए हो चुकी है। इसकी एक वजह ये बयान की जा रही है कि बहुत बड़ी मकदार में जो गंदम है वो खैबर पख्तूनख्वा जा रही थी, जो कि आइंदा दो रोज में खत्म हो जाए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उसका खरीदारी खत्म जो है मुकम्मल होने वाला है और वहाँ की जराए ये बता रहे हैं कि जुमा या हफ्ता से जो है खरीदारी बंद कर दी जाएगी, जिसके बाद पंजाब में गंदम की मार्केट जो है वो नए सिरे से अपनी कीमत का तयन करेगी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो अपने सरकारी खरीदारी हदफ का 80% जो है मुकम्मल कर चुकी हुई है, 20% उसका रह गया है। महकमा खुराक पंजाब जो है उसका ये कहना है कि हमने किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की है खैबर पख्तूनख्वा गंदम और आटा जाने पर ऊपर, लेकिन हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ये कहना है कि पंजाब से आने वाली गाड़ियां जो हैं वो हमारे गोदामों पर उतर रही हैं, लेकिन हम सफेद रंग की गंदम की गाड़ियों को जो है वो मनसूख करके वापस भेज रहे हैं और सिर्फ सुनहरी रंग की गंदम जो है वो वसूल की जा रही है। जी रिजवान आसिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।